राजस्थान जितना अपने इतिहास के लिए जाना जाता है उतना ही अपने किले, सुंदर महलों व भवनों के लिए भी जाना जाता है। आज हम आपको राजस्थान के 10 ऐसे खूबसूरत महल, किले व भवनों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। नंबर एक पर है उदयपुर सिटी पैलेस। उदयपुर सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे मशहूर और खूबसूरत भवनों में एक है। यह उदयपुर शहर में पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। उदयपुर को झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा उदय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। इसके बाद आने वाले राजाओं ने भी समय समय पर इस पैलेस को खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दिया। पैलेस के अंदर कई भवन, महल तथा भगवान जगदीश का मंदिर भी है। वर्तमान में इस पैलेस के एक भाग को सरकारी संग्रहालय बनाया गया है, जबकि पैलेस में स्थित फतेह प्रकाश भवन तथा शिव निवास भवन को होटल में तब्दील कर दिया गया है। पैलेस के एक अन्य हिस्से शंबुक निवास में आज भी राज परिवार निवास करते हैं। नंबर दो पर आता है चित्तौड़गढ़ का किला। इतिहासकारों के अनुसार इस ऐतिहासिक किले का निर्माण मौर्य वंश के राजा चित्रांगद ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। चित्तौड़गढ़ में स्थित यह किला भारत के विशालतम किलों में एक है। पहले इस किले को चित्रकूट के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे चित्तौड़गढ़ कहा जाने लगा। इस किले पर मौर्य, गोहिल वंश, परमार, सोलंकी आदि अनेक वंशों ने शासन किया और 1174 ईस्वी के आसपास गोहिल वंशों का पुनः अधिकार हुआ। यह किला आक्रमण और युद्ध के लिए बहुत ज्यादा ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस किले पर 3 महत्वपूर्ण आक्रमण हुए और तीनों आक्रमणों में राज्य की रानियां द्वारा जौहर किया गया। जौहर एक प्रथा थी जिसके अनुसार किसी शत्रु द्वारा राज्य पर आक्रमण कर उस राज्य को जीत लेने की स्थिति में राज्य की सभी स्त्रियां आग में कूद जाती थी। नंबर तीन पर है मेहरानगढ़ किला। जोधपुर में स्थित मेहरानगढ़ किला राजस्थान के प्राचीनतम किलों में एक है। यह किला पहाड़ी के ऊपर 124 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके निर्माण की नींव जोधपुर के 15वें शासक राव जोधा द्वारा मई 1459 में रखा गया और इसके बाद महाराजा जसवंत सिंह ने 1638 से 78 के मध्य इस किले के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। किले में 8 द्वार तथा 10 किलोमीटर लंबी दीवारें किले को घेरे हुए हैं। किले के अंदर कई भव्य महल स्थित हैं, जिसमें मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिलेखाना आदि शामिल है। जोधा की चामुंडा माता में अथा श्रद्धा थी, जिस कारण उन्हें 1460 में किले के समीप चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। नंबर चार पर है सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जयपुर का प्रमुख लैंडमार्क और सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों में एक है। सिटी पैलेस का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने 1729 से 1732 के मध्य करवाया था। यह एक राजस्थानी व मुगल शैली के मिश्रण रचना है। पुराने शहर के बीचों बीच खड़ा है। इस खूबसूरत परिसर में कई इमारतें, विशाल आंगन, आकर्षक बाग तो इसके राजसी इतिहास की निशानी है। इस पैलेस की खूबसूरती को देखने के लिए प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक देश दुनिया से यहां आते हैं। नंबर पाँच पर है जैसलमेर का किला। इतिहासकारों के अनुसार जैसलमेर में स्थित इस किले का निर्माण 1178 में राजपूत शासक जैसल द्वारा कराया गया, किंतु कुछ समय पश्चात उनकी मृत्यु हो जाने के कारण दुर्ग के निर्माण का कार्य उनके उत्तराधिकारी साहिल वाहन द्वारा पूर्ण किया गया। जैसलमेर किला त्रिकुरा नामक पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। उसकी ऊंचाई करीब 250 फीट है। किले की खास बात यह है कि इसके निर्माण में गारे या चूने का प्रयोग नहीं किया गया, पत्थर पर पत्थर फंसाकर इसका निर्माण हुआ। किले के अंदर कई भव्य महल, गौतम विलास रंग महल, मोती महल, गज विलास आदि प्रमुख हैं। नंबर छह पर है आमेर का किला। यह किला जयपुर से 11 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। यह 4 वर्ग किलोमीटर का एक भव्य शहर है। यह राजस्थान का प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। नंबर सात पर है उम्मेद भवन। उम्मेद भवन राजस्थान के साथ साथ भारत की भी शान है। जोधपुर में स्थित शानदार भवन का निर्माण राठौर राजवंश के शासक प्रताप ने 1920 में करवाया, जो 1943 में बनकर तैयार हुआ। नंबर आठ पर है हवा महल। जयपुर में जल महल के पास स्थित हवा महल एक शानदार महल है। इसका निर्माण 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। नंबर 9 पर है जूनागढ़ का किला। बीकानेर में जूनागढ़ किला एक ऐतिहासिक किला है, जिसका निर्माण राजस्थान के अन्य किलों की तरह पहाड़ी पर नहीं किया गया। इस किले का निर्माण राजा राय सिंह द्वारा 1589 से 1594 के मध्य करवाया गया।
राजा राज सिंह ने 1571 से 1661 के मध्य बीकानेर पर शासन किया। किले के परिसर में खूबसूरत महल, अनूप महल, बादल महल, मंदिर आदि बनवाए। नंबर 10 पर आता है रणथंभौर का किला। सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर का किला निर्माण राजा सज्जन सिंह वीर ने करवाया था। इस दुर्ग की सबसे अधिक ख्याति हमीर देव चौहान के शासनकाल 1282-1301 में रही। 1301 में इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब्जा कर लिया। बाद में जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह ने इस दुर्ग को मुगलों से अपने पास सौंपने का अनुरोध किया। उन्होंने पास के गांव का विकास किया तथा इस किले को मजबूत बनाया। 21 जून 2023 से इस ऐतिहासिक स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा देना। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।